अपने स्कूल से जो सबसे बुरी चीज़ मैंने सीखी है, और अक्सर लोग यही सीखते हैं, वो है गलती करने से डरना, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। और इस एक लर्निंग ने हमारी क्रिएटिव कैपेसिटी, इनिशिएटिव टेकिंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इस सब की रेड़ लगा दी है। होता क्या है कि इवन बिफोर वी हैव एनी आइडिया कि हम कौन हैं और कहाँ हैं, हमें कान से पकड़ के स्कूल में डाल दिया जाता है। बड़े से स्कूल की छोटी सी क्लास में ये सिखाया जाता है कि जो बोर्ड पे लिखा है उसको कॉपी कर लो, उसको याद कर लो, एग्जाम में एग्जैक्टली ये आएगा, इसी पे नंबर मिलेंगे। और जैसे आपको नंबर मिलेंगे, जैसे आपके एनी मार्क्स आएंगे, उसकी बेसिस पे आपको कैटेगराइज किया जाएगा। अच्छे मार्क्स लोगे तो अच्छे स्टूडेंट बनोगे, सब तालियां बजाएंगे, सब वाह वाह करेंगे। और अगर बुरे नंबर आ गए, अगर गलती की एग्जाम में, तो जी आप बुरे स्टूडेंट होंगे, आप नालायक कहलाएंगे, घर पे ही बेइज्जती होगी, और स्कूल में तो वैसे ही आप एक निकम्मे स्टूडेंट लेबल कर दिए जाएंगे। नतीजतन इस सारी शर्मिंदगी से बचने का एक ही तरीका नजर आता है कि टीचर ने जो बोर्ड पे लिखवाया था उस सबको रट लो, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लो और गलती ना करो कोई। 12-15 साल इस रैंकिंग के पीछे भाग भाग के ये बात दिमाग में अब ठोक ठोक के डल गई है कि कुछ भी कर लो, गलती ना करो, गलती सिर्फ निकम्मे लोग करते हैं। सालों साल स्कूल में यही प्रोग्रामिंग होती है और फिर यही बात घर पे रीइंफोर्स होती है। स्कूल में गलती करो तो मार्क्स कटते हैं, घर पे गलती करो तो बेइज्जती होती है। इस सब के बीच में आप कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत कैसे करेंगे? और इस डर की वजह से जो स्कूल से शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी के तमाम डिसीजंस को इफेक्ट करता है, हम में से अक्सर लोग हमेशा ट्राइड एंड टेस्टेड, लेस रिस्की ऑप्शंस पिक करते हैं ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए, जो बोर्ड पे लिखा है वही छापते हैं। वैसे तो और भी कई शिकवे शिकायत हैं मुझे अपने स्कूल से और स्कूलिंग सिस्टम इन जनरल से, मगर सबसे बड़ी डिससर्विस जो हमारे स्कूल्स ने हमारे साथ की है वो ये कि हमें गलती करने से डरा दिया है। क्या हम गलती करने से इतना डरते हैं कि हम कुछ नया ट्राई ही नहीं करते? आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो।